हाय एवरीवन, आई एम श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल कुक इजी विद श्रुति। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ 100% हेल्दी कुकीज़ मेड विद ऑल द पॉसिबल हेल्दी इंग्रेडिएंट्स। आज मैं इसे मैदा या गेहूं के आटे का यूज़ नहीं करूँगी। इसको मैंने रिप्लेस किया है बेसन के साथ और स्वीटनेस के लिए मैंने रिप्लेस किया है रिफाइंड शुगर को जैगरी पाउडर के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आए, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग और यूज़फुल वीडियोस के लिए कुक इजी विद श्रुति को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल में ले लिया है सॉल्टेड बटर। ये एक रूम टेम्परेचर पर है। अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं देसी घी के साथ, और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लें, रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। अब एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से लो स्पीड पे 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूँगी, जिससे इसका एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। आप जैसे जैसे देखेंगे ये ब्लेंड होता जा रहा है, इसका कलर लाइट होता जा रहा है और टेक्सचर इसका फ्लफ़ी होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से क्रीमी हो गया है। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रोल्ड ओट्स। साथ ही मैं इसमें एक सीव लगाया है, यानी छन्नी लगाई है, उसमें मैंने डाल रहा है बेसन, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। छानने का पर्पस ये है कि इससे हमारी जो कुकीज़ हैं बहुत ही लाइट बनेंगी टेक्सचर में, और जो इसमें बेसन के लम्स होते हैं वो भी अच्छे से अलग हो जाएंगे, और सोडा और बेकिंग पाउडर आपस में अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसको एक बार ज़रूर छान लें और इसको हल्के से एक बार मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ क्रैनबेरीज़। आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, कोई आपकी पसंद के सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स आपकी चॉइस का वो ऐड कर सकते हैं, आमंड नट्स ऐड कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको स्पैचुला की हेल्प से या फिर किसी स्पून की हेल्प से सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन कर लेंगे। हार्शली ना करें, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आप इस प्रोसेस को करें। सभी चीज़ें आपस में मिक्स हो गई हैं, मगर फिर भी हमारा डो जो है वो बिखरा बिखरा है सारा मिक्सचर। इसको थोड़ा सा बाइंड करने के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दूध, जो कि मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है। अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपस में बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 2 टेबलस्पून ही दूध लगे, 2 से 3 या 4 टेबलस्पून दूध इसमें आपको यूज़ कर सकते हो। आप धीरे धीरे करके ऐड करें जब तक कि आपको इस तरीके का एक कुकी डो ना मिल जाए। यहाँ मेरा कुकी डो बन के रेडी है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन ले लूंगी और इस तरीके से मैं इसको एक कुकी का शेप दे दूंगी। आप चाहें तो आइसक्रीम स्कूप की हेल्प से भी इसको इक्वल प्रोपोर्शन में लेके कुकीज बना सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस मेथड। तो इसी तरीके से मैं सारी कुकीज रेडी कर ली हैं। आज मैं इसको 2 तरीके से बेक करूंगी। एक करूंगी मैं इसको ओवन में, दूसरा मैं करूंगी गैस स्टोव पे कढ़ाई को यूज़ करके। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीक़ों से कुकीज़ बहुत ही अमेजिंग बनेंगी। तो यहाँ दोनों तरीके से बेक करने के लिए कुकी रेडी हैं। मैंने प्लेट लिया है, प्लेट को लाइन किया है पार्चमेंट पेपर के साथ और थोड़े डिस्टेंस पर सारी कुकीज़ रख दी हैं। डिस्टेंस ज़रूरी है क्योंकि बेक होने पर कुकीज़ एक्सपेंड करती हैं। इसको मैं माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पे आज बेक करूंगी, जिसको मैंने 5 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लिया है, और बेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे 150 डिग्रीज फॉर 15 to 18 मिनट्स। 15 मिनट के बाद आप अपनी कुकीज़ को एक बार ज़रूर चेक कर लें। कढ़ाई में बेक करने के लिए सबसे पहले हम एक नमक की लेयर बिछा देंगे कढ़ाई के तले में और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी कुकीज़ को हीट इवनली लगे।
अब हम इसमें एक वायर एक्सटेंड रख देंगे और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम हीट पर इसको हम प्री हीट कर लेंगे। 10 मिनट बाद जो हमारी कुकीज़ हैं हम उसको इसके अंदर रख देंगे। बी केयरफुल, कढ़ाई हमारी इस समय बहुत गर्म है, आप इसको सावधानी से करें। अब इसको मैं लो मीडियम हीट पर 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी या जब तक कि मेरी कुकीज़ जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अठारह मिनट बाद मैंने चेक किया तो मेरी ये माइक्रोवेव वाली जो कुकीज़ हैं बहुत अमेजिंगली बेक हो गई हैं, गोल्डन कलर इन पे आ गया है। आप इसको 2 मिनट ट्रे में ही रहने दें, उसके बाद इसको एक वायर रैक पे ट्रांसफ़र कर लें। उसका रीज़न ये है कि इससे आपकी कुकीज़ जो है नीचे से भी क्रिस्पी हो जाएंगी, अगर आप इसको ट्रे में ही रहने देंगे तो ये सॉफ्ट रहेगी। 20 मिनट हो गए हैं, अपनी कढ़ाई वाली कुकीज़ भी चेक करते हैं। ऊपर से काफ़ी अमेजिंग दिख रही है, गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। दोनों ही तरीके से हमारी कुकीज़ बनके रेडी हैं, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड से परफेक्टली बेक हुई हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड डू लेट मी नो हाउ इट गोज़ फॉर यू। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू कुकीज़ विद श्रुति। बाय बाय एंड टेक केयर।